नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। जितनी फिजिकल हेल्थ जरूरी होती है उतनी ही जरूरी होती है आपकी मेंटल हेल्थ, और इसलिए आज हम बात करने वाले हैं OCD के बारे में, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसमें ऑब्सेशंस और कंपल्शंस होते हैं। ऑब्सेशंस बार बार आने वाले थॉट्स होते हैं या दिमाग में आने वाली कुछ इमेजेस होती हैं जो बार बार आपको परेशान करती हैं, और उसके बाद होती है एंजाइटी या फिर हो सकते हैं कंपल्शंस, जिसमें लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ें वो बार बार करें, बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर इसे कहते हैं, जो लोग एक काम बार बार करते रहते हैं ताकि एंजाइटी कम हो। चीज़ों की गिनती करना, चीज़ों को एक तरह रखना, सीधे रखना, चीज़ें टेढ़ी ना हो, और अगर ऐसा हो तो उसको देख के परेशान हो जा। तो अब हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या होता है ये OCD। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं OCD के बारे में। तो क्या है OCD और कब आपको समझना चाहिए कि OCD के सिम्टम्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ आदत हैं। तो आदत या फिर कोई बीमारी, OCD, इन दोनों का हम जो डिफरेंस है वो समझने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर अंशुमान कुमार जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे कार्यक्रम में। तो डॉक्टर अंशुमान, मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में बताएं कि OCD क्या होती है। आपने बिल्कुल सही शुरुआत की। OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें दो कंपोनेंट है, ऑब्सेशन और कंपल्सन। ऑब्सेशन को आप अगर हिंदी रूपांतरण करें तो सनक, मतलब एक तरह का ऐसा विचार जो इंसान के खुद के कंट्रोल में, उसके वश में नहीं हो। जैसे वो कुछ भी हो सकता है, किसी विचार का आना, थॉट्स, किसी इमेज का आना, कोई पुरानी तस्वीर घूम जाना, कोई अर्ज, कोई ऐसी इच्छा, तीव्र इच्छा आना, अर्ज, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन क्या इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहेंगे? नहीं। जब तक इसके साथ कंपल्सन ना जुड़ जाए, इससे होने वाले एंग्जाइटी, मतलब तनाव ऐसा बढ़े, इंसान बेचैन हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये रिपीटेड हो, बार बार ये हो रहा हो, और तीसरी बात कि लंबे समय तक के लिए चले, तब जाके इसको हम OCD में कहते हैं। पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट कंपल्सन। अब इससे उत्पन्न होने वाली एंग्जाइटी, बेचैनी को कम करने के लिए कुछ इंसान ऐसी हरकतें करें जो उसका पूरक होगा, मतलब कंपल्सन भी साथ में हो, तब जाके इसको हम कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म होता है OCN, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। न्यूरोसिस में इसकी बेचैनी, इसका पागलपन के मजबूरी में आके करने वाली हरकतें और तीव्र हो जाती है, इंटेंसिटी बहुत तेज हो जाती है, इवन उसकी दिनचर्या खराब होने लगती है, डे टू डे लाइफ, काम करना, स्कूल जाना, या जो भी जहां काम करता हो उसके सारी चीजें हैम्पर होने लगी, घर से निकलना नहीं चाहता हो, तो उसको हम कहते हैं OCN, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। बिल्कुल, यहाँ पर ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या OCD भी क्या आपकी लाइफ की जो आपकी नॉर्मल लाइफ है, क्या उसमें बाध्यता डाल सकती है? क्या ऐसा होता है कि अगर OCD बढ़ जाए तो आपकी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है उसमें आपको दिक्कतें आए? जी बिल्कुल। देखिए, माइनर कंपोनेंट तो ऑब्सेशन का आप देखिएगा तो आज मॉडर्न सिविलाइजेशन में काफी लोगों में ये चीज है, ऑब्सेशन, और छुपे हुए हिडन OCD काफी लोगों में है, लेकिन वो प्रेसिपिटेट नहीं होता है। प्रेसिपिटेट कब होता है? जब वर्क प्लेस पे स्ट्रेस बढ़ जाए, जॉब चला जाए, मनी का नुकसान, पैसे का नुकसान हो जाए, या कोई नियर डियर रिलेटिव का नुकसान है, तो जब इस तरह का स्ट्रेस प्रेसिपिटेट होगा तो हिडन OCD निकल के बाहर आ जाता है। तो एक तो ये कंपोनेंट हुआ, लेकिन अगर OCD या OCN इस कदर बढ़ जाए कि इंसान अपनी डेली दिनचर्या ना कर पाए, मतलब उसको बिस्तर से बाहर निकलने में डर लगता हो कि कहीं मेरे पांव गंदे ना हो जाए, कंटामिनेशन। डॉक्टर अंशुमान, मैं यही बात करना चाहूंगी अब आपसे, क्या सिम्टम्स होते हैं OCD के? क्योंकि साफ सफाई तो बहुत जरूरी है, सब उसका ध्यान भी रखते हैं, लेकिन जब आप जर्म्स को देख के घबराने लगे, परेशान हो जाएं या बार बार हाथ धोएं, हम चाहेंगे आप वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या तो सही आदत है और क्या OCD के सिम्टम्स हैं, ताकि लोग समझ पाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मोस्ट कॉमन सिम्टम जो OCD में है वो है वॉशर, फ्रिक्वेंट वॉशर, मतलब बार बार हाथ धोना या बार बार अपने गंदगी से अपने आप को बचाना। उसमें हाथ धोना सबसे छोटा है, और बार बार नहाना, जाके वॉश बाथ लेना,
ये सबसे बड़ा है। मतलब बाहर से आएंगे तो बांस लेंगे, कुछ भी टच करेंगे तो क्लीन करेंगे। अब इसको कॉमन पब्लिक के लिए मैं समझा दूं, दशकों को ऐसे समझना चाहिए जैसे आप घर में पोछा लगा रही हैं, आमतौर पे देखते होंगे माँ चिल्लाती है कि पोछा लगा है अभी इसको क्रॉस मत करना धब्बे आ जाएंगे, तो ये ओसीडी नहीं है, ये नॉर्मल है। लेकिन मान लीजिए माँ ऐसा करने लगे कि आप क्रॉस किए और उनको लगे कि पूरा पोछा खराब हो गया, फर्श पे फिर जर्म्स आ गए, फिर से पोछा लगा लिया, फिर कोई बच्चा क्रॉस किया फिर से पोछा लगा, ये ओसीडी है। तो सबसे फ्रिक्वेंट है डर्ट कॉन्टामिनेशन के कारण वॉश करना, सबसे कॉमन। दूसरी जो चीज होती है चेकिंग, वॉचिंग, मतलब आपने गैस स्टोव बंद कर दिया लेकिन लग रहा है कि गैस लीक तो नहीं हो रही है, बंद हुआ कि नहीं जाके चेक किया, फिर लगा नहीं चेक तो ठीक है बंद है, दोबारा रूम में फिर से लगा बंद तो नहीं किया, दरवाजे में ताला लगाना, खिड़की बंद करना, ये सब सेकेंड मोस्ट कॉमन है जिसमें हम कहते हैं कि इंसान को रिपीटेड थॉट आते हैं कुछ अनटॉवर्ड हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, जो मैंने किया शायद वो पूरा नहीं हुआ है, इस तरह के विचार आना। तीसरा अरेंजिंग इन नंबर्स, अरेंजिंग इन सीरीज, जैसे कोई चीज टीवी का रिमोट, एयर कंडीशन का रिमोट एक सिक्वेंस में रखा है कि नहीं, ऐसे ही रखना चाहिए, कोई डिस्टर्ब कर दिया और बेचैन होने लगे ऐसा क्यों हो गया, कुछ दुर्घटना होने वाली है उसको फिर से उधर रखना, ये तीसरा अरेंजिंग इन नंबर। यहाँ पर डॉक्टर अंशुमान, क्या ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं या फिर ओसीडी इतना बढ़ जाता है कि उन्हें और उनकी उनको तो खैर वो कर ही रहे हैं, उनकी फैमिली को प्रॉब्लम होती हो इससे क्योंकि वो हर चीज को बिल्कुल एक तरह से चाहते हैं? जी देखिए, इसमें एक थिन लाइन है, एक नीट मेटिकुलस इंसान होता है जिसको चाहिए व्हाइट बेडशीट हो, सब कुछ साफ सुथरा हो, और मैं ऐसे ही रहता हूं ऐसे रहने दो तब तक तो ठीक है, लेकिन वो कंपल्सिव हो जाए इसके लिए, कंपल्सिव इस लेवल पे हो जाए कि उसके बेडशीट पे किसी ने पांव रखा और वो बेचैन हो गया, पागलों की तरह करने लगा, फेनेटिक हो गया और बेडशीट हटाया, दूसरी बेडशीट डाल दी। अब गलती से मान लीजिए उसका पेट डॉग था घर में, कैट थी, ऊपर चल गई, फिर से वो फेनेटिक हो गया, इस पे जर्म्स आ गए, ये ओसीडी है। तो बहुत थिन लाइन है, ये प्रॉब्लम वाकई कॉमन है, इवन अमेरिका में भी अंडर रिपोर्टेड है, इंडिया में तो है ही अंडर रिपोर्टेड, अमेरिका में भी इसकी कितनी इंसिडेंस है अंडर रिपोर्टेड है कि मैक्सिमम लोग इस चीज को छुपाते हैं, शर्मिंदगी होती है उनको और साथ में उनको अवेयरनेस है, क्योंकि इसको मैंने कहा न्यूरोसिस है, इंसान अवेयर होता है कि हाँ मेरे साथ ये समस्या चल रही है, अनलाइक साइकोसिस, साइकोसिस तो इंसान को पता नहीं होता है, अवेयरनेस अबाउट टाइम प्लेस एंड पर्सन, लेकिन न्यूरोसिस ओसीडी में इंसान को पता होता है कि ये मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन उसका थॉट उसके कंट्रोल में नहीं है और बार बार ये इस तरह की गलती करता है टू रिलीव हिज हर ओन एंग्जाइटी, इतना बेचैन हो जाता है उसको लगता है अगर मैं नहीं करूंगा तो कुछ दुर्घटना हो जाएगी, ये अनटॉवर्ड हो जाएगा मेरी लाइफ में, ये करना ही पड़ेगा। तो ये इतनी थिन लाइन है, इसी को हमें समझना है। अगर स्पाउस को, गार्जियन को, पेरेंट्स को, घर वालों को लगता है कि इसकी डे टू डे लाइफ खराब हो रही है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, साइकेट्रिस्ट को, साइको काउंसलर को कंसल्ट करना चाहिए, वो सही समय है, अदरवाइज ये मॉर्बिडिटी हो जाएगी, उस इंसान की लाइफ बाकी की चीजों में बिल्कुल मनने लगता है और खराब हो जाती है। डॉक्टर अंशुमान, आपने आपने बताया कि हिडन ओसीडी की आपने बात की है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, थोड़ा बहुत होता है सब में ये ओसीडी, लेकिन कुछ शॉक्स आए लाइफ में, कुछ ऐसा हो तो ये बढ़ भी सकते हैं। अभी कोरोना के टाइम से सब हम लोग निकले हैं तो वो सबसे बड़ा शॉक था, वो पूरा यूनिवर्सल शॉक था सभी के लिए ये, तो और तो ऐसे में अगर इसको छुपा के रखें तो क्या ये इतना ही रहता है या छिपा के रखें तो बढ़ भी सकता है आगे लाइफ में? जी, कोरोना का आपने जिक्र किया, आपने देखा होगा कोरोना में हैंड हाइजीन और मास्किंग जरूरी थी, लोगों ने किया, लेकिन देखा होगा कोरोना खत्म होने के बाद भी लोग कितने ऑब्सेस थे सैनिटाइजर के लिए, ये वही हिडन ओसीडी था जो निकल के आया। अब होता क्या है, जो ऑब्सेशन है, लोग कहते हैं कि ऑब्सेशन तो है, बड़े फक्र से कभी कहते हैं आई एम जस्ट ओ ऑफ ओसीडी, मतलब ऑब्सेशन है ओसीडी का, मुझे कंपल्सन नहीं है, लेकिन वही प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर आएगा, कंपल्सन आ जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, ऐसे लोगों को एक्ट में कंपल्सन नहीं होता लेकिन मेंटल कंपल्सन होता है, वो अपने आप के मेंटल कंपल्सन को दबा देते हैं, फिजिकल कंपल्सन नहीं आता, मतलब विचार आया आई शुड गो एंड वॉश माई हैंड, लेकिन वो दबा देगा, नहीं नहीं यार लोग क्या कहेगा, अभी तो मैं हाथ धो के आया था फिर मैं उठ के जाऊं, इसको मेंटल कंपल्सन कहते हैं। ये जब इस तरह के प्रेसिपिटेट शॉकिंग जैसे कोविड या मैंने बताया लाइफ में चेंजेस, जॉब चेंज,
मनी चेंज, हेल्थ चेंज, फैमिली चेंज, कुछ भी अगर होता है तो ये कंपल्सन में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी भी मेंटल कंपल्सन विल कन्वर्ट इनटू फिजिकल कंपल्सन और वो फ्रैंक ओसीडी में आ जाएगा। तो क्या इसको ये अपने आप ठीक हो सकता है, उतना ही रहेगा, वक्त के साथ कम हो जाएगा या बढ़ भी सकता है? जी देखिए, जो मेंटल कंपल्सन है इसमें तो बिल्कुल चांस है कि इंसान माइंडफुलनेस, जिसको कहते हैं सचेतन की अवस्था, मेडिटेशन, योग प्राणायाम, जिसको अष्टांग योग कह सकते हैं, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रातःहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अगर इसको अपने जीवन में उतारे तो ये रिवर्ट हो जाएगा, वापस चला जाएगा। यानी कि डॉक्टर सुमन आप कह रहे हैं कि अगर आप अवेयर हो जाओ तो आप धीरे धीरे इस पर काम कर सकते हो और खुद ये चीजें कंट्रोल हो सकती हैं, अगर बिल्कुल शुरुआती स्टेज है। जी बिल्कुल। कैसा कंट्रोल होगी? पहला माइंडफुलनेस, सचेतन। सचेतन से मतलब है कि आप अपने एक्ट को खुद एनालाइज कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण कीजिए और देखिए कि वाकई ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, जर्म्स आपको खा जाएगा क्या, आप क्या वाकई बीमार पड़ जाएंगे? जब एनालाइज कीजिएगा लगे नहीं, तो टेक ए चैलेंज, जिसको कहते हैं सेल्फ डिसेंसिटाइजेशन, स्वयं को डिसेंसिटाइज कीजिए कि हैंड वॉश कर लिया था, ऐसा कुछ जर्म्स नहीं होगा। और उनके लिए मैं बताता हूं, शरीर के ऊपर स्किन पे जर्म्स होते हैं, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए है, ना कि आपको बर्बाद करने के लिए। जो पैथोलॉजिकल जर्म्स हैं उसी से हमें बचना होता है। तो सेल्फ डिसेंसिटाइजेशन करें अपने आप को तैयार करें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटने वाली है, ये तो रिवर्ट हो जाएंगे। अगर इससे आगे की बात है तो फिर दो स्टेप बच जाते हैं, या तो साइकोथेरेपिस्ट हो जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे, या रिस्पॉन्स थेरेपी दे, या मेडिसिन पे जाना पड़ेगा, ड्रग थेरेपी, मतलब फार्माकोथेरेपी एंड बिहेवियरल चेंज, दो थेरेपी, अगर इससे आगे बात बढ़ गई तो। जी, तो डॉक्टर अंशुमान आपने थेरेपी की बात की, तो थेरेपी में क्या होता है, अगर ड्रग्स की हम या दवाइयों की बात ना करें तो थेरेपी में क्या होता है, क्या क्या जो मरीज है उससे बात की जाती है, क्या किया जाता है? जी, एक तो मैंने बताया कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निशन का मतलब होता है जो हमारी सचेतन की अवस्था है, जो हाई इंटेलेक्ट पावर है उसको जगाना और उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना। इसमें एक चीज और होती है न्यूरो फीडबैक थेरेपी, मतलब इंसान के थॉट्स को हम आने देते हैं, जैसे स्क्रीन पे इमेजेस डाला, कुछ उसको आवाज सुनाई जिसके कॉन्सेप्शन आता है और एक्ट क्योंकि कर नहीं सकेगा, लेबोरेटरी में है, फिर उससे उसके हेड पे इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं जो उसको फीडबैक देता है कि अभी ये थॉट्स आ रहे हैं, आप ऐसा सोचो, इसको कहते हैं न्यूरो फीडबैक थेरेपी। कॉग्निशन बिहेवियरल थेरेपी, उसके कॉन्शियस माइंड में हम डालते हैं कि अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में इस तरह से बदलाव करो और ये तुम्हारा ठीक हो जाएगा, या कोई भी ऐसी चीज से उसको ऑब्सेशन जिसके कारण कंपल्सन करता है, तो उसको लो एक्सपोजर हम देते हैं, मतलब उसको छोटा छोटा एक्सपोज करते हैं और उसको दिखाते हैं, देखो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, अगर तुमने पिलर्स काउंट नहीं किए जब गाड़ी से जा रहे थे कितने पिलर्स थे और तुम घर पहुंचे सब सेफ है, तुमने ताला लगाया नीचे आगे लगा कि ताला लगा कि नहीं लगा, मैं चेक करके आता हूं, तुम रुक जाओ नीचे, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी, तो उसका रिस्पॉन्स दिखाते हैं कि नहीं कुछ हुआ, तो धीरे धीरे इंसान अपने बिहेवियर का मॉडिफिकेशन करता ठीक हो जाता है, यहां तक तो विदाउट मेडिसिन है। उसके बाद ड्रग थेरेपी जो होती है साइकेट्रिस्ट करते हैं, सेरोटोनिन एक केमिकल है ब्रेन में, न्यूरो केमिकल, जिसके लोचा हो, जिसके गड़बड़ी के कारण ही ये समस्या होती है, तो SSRI ग्रुप की दवा है, दवा का नाम लेना मुझे उचित नहीं लगता है यहाँ पे, वो दवा देते हैं और उसके बाद इस इंसान का माइंड कंट्रोल में आने लगता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्योंकि डॉक्टर अंशुमान हम माइंड की भी बात कर रहे हैं, हम ये भी बात कर रहे हैं कि इमेजेस आती हैं, तो ऐसे में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप लगातार कुछ कुछ सोचते रहते हो, आप नहीं भी चाहते तो आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप सो रहे हो और वो चीजें आपके दिमाग में चल रही है, पूरी रात के लिए नहीं लेकिन हाँ शुरुआत में आपको लग रहा है कि वो आपका दिमाग वो चीजें सोच रहा है, तो क्या वो भी ओसीडी का ही पार्ट है? जी नहीं, देखिए मैंने बताया मॉडर्न सिविलाइजेशन में ह्यूमन माइंड हैज बिकम मंकी माइंड, बंदर की तरह हो चुका है इंसान का दिमाग, वो पूरे टाइम कूदता उछलता फांदता रहेगा क्योंकि इतनी चीजें आप देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल डे टू डे लाइफ टू सोशल, मतलब डिजिटल मीडिया, डिजिटली आप चीजों को देख रहे हैं। अब ब्रेन के पास पावर है कि उसको मेमोरी में किस तरह से ढाले और ड्रीम में कैसे कन्वर्ट करे, ये दो है। ड्रीम इज द गेटवे ऑफ माइंड, जो है अपना सारा कुछ करता है ड्रीम में कन्वर्ट करके, जैसे हम लोग सोचते हैं सपने ऐसे अनायास आते हैं, कभी अनायास सपने नहीं आते हैं, सपने हर समय कारणवश आते हैं,
जो आपने सोचा हो, जो आपने देखा हो, जो आपने किया हो, आपको याद भी नहीं होगा, और उसका मॉडिफाइड फॉर्म में सपने आते हैं। तो जब आप रेम स्लीप में होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, REM, उस समय जो आप सोच रहे होंगे या सपने में देख रहे हो, आपको याद रहता है, इसलिए आप कहते हैं कि हमने थोड़ी देर तक देखा, उसके बाद तो पता नहीं चला। ये OCD नहीं है। OCD ये है, आप फुल्ली अवेयर हैं, फुल्ली कॉन्शियस हैं, ऑब्सेशन हुआ, थॉट्स आए, इमेजेस आए, और उसके अगेंस्ट में एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए आपने कुछ एक्टिविटी की, कुछ हरकतें की, जिसको कंपल्सन कहें। ये पूरा जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक OCD हम नहीं कहेंगे उसको। जी डॉक्टर अंजुमान, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, तो यहाँ पर लोग आपको सुन रहे हैं, शायद देख रहे होंगे कि क्या उनको OCD की कुछ सिम्टम्स हैं, छोटा सा ही है लेकिन कुछ है, तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं, एज ए डॉक्टर आप बताएं कि अगर उनको लग रहा है कुछ सिम्टम्स हैं तो अपने पे वो कैसे काम कर सकते हैं। बिल्कुल, पहला काम अपने पे करना है, और दूसरा जो साथ के लोग हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। अपने पे क्या करना है, मैंने कहा माइंडफुलनेस, माइंडफुल मेडिटेशन, और अपने आप का सेल्फ डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी, तीन स्टेप है। सचेतन की अवस्था, सचेतन की अवस्था किसको कहते हैं, हर चीज को वर्तमान में रहकर जीना सीखिए। वर्तमान किसे कहते हैं, भविष्य के गर्भ से निकलकर अतीत के गर्त में जाने की दशा को वर्तमान कहते हैं। मोस्ट फ्लूइड स्टेट ऑफ द यूनिवर्स, इसमें आप अगर रहना सीख लेंगे तो न अतीत की चिंता होगी, पश्चाताप होगा, न भविष्य की चिंता होगी, आप वर्तमान में रहने लगेंगे। तो OCD का सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट यही है कि भविष्य में कुछ गड़बड़ हो जाएगा अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो भविष्य की चिंता खत्म हुई, आपका ये कंपल्सन बंद होगा। पहला माइंडफुल मेडिटेशन, मेडिटेशन इज नथिंग, इज थॉट ऑफ निगेशन, मतलब सारी चीजें आप हटाने लगे दिमाग से, जो आ रहे थॉट आने दो, अपने आप चला जाएगा, ना रिएक्ट करो ना एक्ट करो, दृष्टा भाव से देखिए, माइंडफुल मेडिटेशन। एंड तीसरा सेल्फ डिसेंसिटाइजेशन, जिस चीज से आपको तकलीफ हो रही है, एंग्जाइटी होती है, जिसके कारण आपको कंपल्सन आता है, उसको खुद से फेस करिए हिम्मत करके। ये तो इंडिविजुअल को करना है, नियर डियर को क्या करना है, डोंट बी जजमेंटल, आप जज मत कीजिए उनको, बी लविंग एंड केयरिंग, उनके साथ मोहब्बत से बात कीजिए, आप समझाइए कि कोई बात नहीं है, समस्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे मिलके। अगर मान लीजिए उनकी कोई ऐसे थॉट्स है तो उसमें रिएक्ट मत कीजिए कि तुम गलत हो, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें साइकेट्रिस्ट को दिखाना है, उसमें मत कीजिए। ये रिवर्सल स्टेज में, मेजॉरिटी केस रिवर्सल स्टेज में है, और इससे अगर क्रॉस कर जाए तब मैंने जैसे समझाया साइकोथेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट की जरूरत होगी, तब आगे के स्टेप पे जाए। यानी कि अगर सोचा समझा जाए तो ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है, आप इस पे कंट्रोल कर सकते हैं धीरे धीरे सोच समझ के, माइंडफुलनेस से। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि मेजॉरिटी केस में ये बहुत सटल है, छुपा हुआ है, हिडन है, और छोटी समस्या है, लेकिन शर्मिंदगी के कारण ये मुझे कोई बुरा तो नहीं कह देगा, पागल तो नहीं कह देगा, इसके कारण लोग बोल नहीं पा रहे हैं, ये समस्या बड़ी हो जाती है, उसी समय एक्ट कीजिए, इसको रिवर्स कर लीजिए। यहाँ पर डॉक्टर अंशुमान, मैं चाहूंगी आप लोगों को एक बार जरूर बताएं कि फिजिकल हेल्थ के बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा जरूरी है, और उस पे काम करना भी बहुत जरूरी है, आप हम चाहेंगे आप बताएं जरूर लोगों को। बिल्कुल, देखिए फिजिकल हेल्थ के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनको जानकर आश्चर्य होगा कि मेडिकल में टर्मिनोलॉजी साइकोसोमैटिक, साइकी मींस माइंड, सोमा मींस बॉडी, पहले साइकी को रखा गया, माइंड ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर बॉडी, मतलब मेंटल हेल्थ आपका ऊपर है फिजिकल हेल्थ से, अगर मेंटल हेल्थ आपका गड़बड़ रहेगा फिजिकल हेल्थ गड़बड़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेंटल हेल्थ की गड़बड़ी है, आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, डिसलेपिडीमिया, कैंसर, अल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया, अनेक बीमारियां हो सकती है फिजिकल हेल्थ में। तो मेंटल हेल्थ को ठीक रखना प्रायोरिटी है आपकी, और मेंटल हेल्थ को ठीक रखना, दोनों का अनुनासिक संबंध है, गट हेल्थ, अपने पेट को ठीक रखना जरूरी है ताकि आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहे, और बाकी चीजें मैंने बताया, स्ट्रांग योग, मेडिटेशन, ये सब करिए, मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा, आपकी बॉडी ठीक रहेगी। जी बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, अपने पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपने आप को पहचाने कि क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, क्या समस्याएं हैं, और धीरे धीरे काम करिए, आसपास जो लोग हैं वो भी इसमें मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान कुमार, आप ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। तो हमारे इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, अपने आप को समझिए, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करिए, और OCD क्या है, अगर आप में सिम्टम्स हैं तो आप इस पे काम कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।